हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू एंड आप देख रहे हो ब्रीथिंग फैक्ट्रीज। क्या आपको पता है क्या इस दुनिया की सबसे साइलेंट रूम कहाँ पर है? आखिर इस मछली की आंखों से लाइट क्यों निकलती है? भारत में एक रहस्यमय मंदिर है। अगर कोई इंसान इस मंदिर में एक रात रुकता है तो वही उसका आखिरी रात होती है, यानी उसका मौत होती है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छुपा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हो, तो वीडियो को थोड़े भी स्किप न करते हुए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने कई सारे साइलेंट रूम देखे होंगे लाइक लाइब्रेरी जैसे, लेकिन आपने कभी सोचे है इस दुनिया में ही सबसे साइलेंट रूम कौन सी होगी? शायद नहीं सोचे होंगे, लेकिन दुनिया में ही सबसे साइलेंट रूम माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर रेडबॉन की वॉशिंगटन में मौजूद है। इसे NHX चैम्बर कहते हैं। ये रूम इतनी साइलेंट है कि अगर कोई इंसान इस रूम में 30 मिनट से ज्यादा रुकता है ना, तो उसका बॉडी में मौजूद सभी ऑर्गन्स का वर्किंग साउंड को भी क्लियरली सुन सकता है। और अभी तक इस रूम में 45 मिनट रुकने का ही रिकॉर्ड है। इसी के चलते इस रूम को साइलेंट रूम इन द वर्ल्ड नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फैक्ट नंबर 9, अगर कोई इंसान कंटिन्यूअस काम करता है तो जल्द ही थक जाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता है, लेकिन नेपाल में रहने वाली बंदेना नेपाल नाम की 19 साल की लड़की ने 165 घंटे यानी 5 दिन नॉनस्टॉप डांस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी इसकी चेहरे पर स्माइल ही दिखती है, रियली ग्रेट ना। फैक्ट नंबर 8, लड़कियों को प्रपोज करने के लिए लड़के अलग अलग तरीके सोचते हैं। तो जापान में रहने वाले यासुशी टाकाहाशी नाम का एक लड़के ने प्रपोजल को कुछ अलग लेवल तक लेके गया है। इस लड़के ने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए GPS ट्रैकर का इस्तेमाल किया है। हम अननोन प्लेस में जाते समय रास्ता ढूंढने के लिए इस GPS ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, हम जिस रास्ते पे जाते हैं ना उस रास्ते को GPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस लड़के ने एक प्लान बना के पूरा जापान घूमता है और घूमते वक्त GPS ट्रैकर को पूरा रिकॉर्ड कर लेता है। फाइनली वो GPS ट्रैकर ऐसा आता है मैरी मी आने के लिए वो लड़के ने एक प्लान में 7163 किलोमीटर ट्रैवल करके उसे उसका गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करता है। इस प्रपोजल से वो लड़की फ्लैट हो जाती है, और यही दुनिया का लॉन्गेस्ट GPS राइड भी है। कुछ भी हो यार, लेकिन इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। इस लड़के के लिए तो एक लाइक जरूर बनती है दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, 1964 को UK में मौजूद कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टन मार्टिन ने एक एडवांस कार को तैयार किए थे। एडवांस कार बोले तो सिर्फ 1964 तक ही नहीं, बल्कि इंक्लूडिंग 2021 में भी वो कार एडवांस्ड कार है। इस कार को 2019 में $6.4 मिलियन को खरीदे थे। अभी का करेंसी में देखे तो 47 करोड़ रुपए। अब आपका मन में ये सवाल आया होगा कि ये कार 2021 में भी कैसा एडवांस्ड होगा, क्योंकि ये कार इस तरह शूट कर सकती है, एनिमीज पर वाटर थ्रो कर सकती है, लेजर लाइट का अटैक कर सकती है, इस तरह नंबर प्लेट भी चेंज कर सकती है। उसी समय इस कार में एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम था, इसीलिए इस कार को 1964 में जेम्स बॉन्ड मूवी में भी इस्तेमाल किए थे, और इस कार का नाम है DB5। फैक्ट नंबर 6, आपने कई सारे इंग्लिश वर्ड सुने होंगे लाइक मोबाइल, इसमें 6 लेटर्स है, कंप्यूटर इसमें 8 लेटर्स है, लेकिन इंग्लिश में ही सबसे लॉन्ग वर्ड एक है। ये वर्ड पूरे 189,819 लेटर से बना है। ये टिंटिन नाम का एक प्रोटीन का केमिकल नाम है। इसे पढ़ने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। फैक्ट नंबर 5, आपको जो फोटो दिख रहा है ना, उसे ध्यान से देखिएगा, फोकस लगा के देखो। देखो ये ऊपर का जो कलर है ना, वो हल्का काला कलर है, और नीचे का हल्का व्हाइट कलर है ना। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बात क्या है, तो रुकिए, इसमें जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, वो 2 कलर नहीं बल्कि सेम कलर है। यकीन नहीं करोगे ना, तो अपना उंगली को ऐसा होरिजेंटली प्लेस करके देखो, एक बार देख लो। उंगली रखने पर वो 2 कलर सेम दिखते हैं, और उंगली हटाने से वो कलर डिफरेंट दिखते हैं। ये एक एक्चुअली साइंटिफिक इल्यूजन है। मजा आया। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड में मौजूद टॉप क्लास बॉलर्स को उनका लाइफ का लास्ट टेस्ट मैच बहुत ही स्पेशल होता है। अगर उनका वो लास्ट इंटरनेशनल मैच में लास्ट ओवर का लास्ट बॉल में विकेट मिलता है ना, तो वो फेयरवेल बहुत ही मेमोरेबल होता है। ऐसा अचीवमेंट अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ 2 प्लेयर्स के पास ही है। उसमें पहला नंबर पर है ग्लेन मैकग्रेथ, इन्होंने इंग्लैंड का क्रिकेटर जेम्स एडरसन का विकेट लिया था, और दूसरा बॉलर है मुतैया मुरलीधरन, इन्होंने प्रज्ञानोजन को आउट किए थे, और इस विकेट से उनका 800 विकेट भी कंप्लीट हुए थे। रियली ग्रेट अचीवमेंट ना। फैक्ट नंबर 3, एक मछली अपनी फूड को समुद्र में टॉर्चलाइट लेके खोजते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक मछली कैसा आके टॉर्चलाइट पकड़ के फूड खोजते होंगे। नेचुरली इस नेचर ने ही उस मछली को टॉर्चलाइट दिया है। इस मछली का नाम है फ्लैशलाइट फिश। ये फिश डीप ओशन में ज्यादा अंधेरा प्रदेश में अपना फ्लैशलाइट ऑन करके फूड को खोजती है। आपका मन में एक डाउट आया होगा कि आखिर ये फ्लैशलाइट ऑन होती कैसे है, बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से। ये
बैक्टीरिया इस मछली के आंखों के नीचे में मौजूद सुबोकुलर बायलोमिनेसेंट नाम का एक ऑर्गन में होते हैं। जब भी ये फिश फूड खोजते हैं, तब इस ऑर्गन को बाहर की फूश करते हैं। ऐसा करने से उस ऑर्गन में मौजूद बैक्टीरिया मूव करते हैं। बैक्टीरिया की मूवमेंट की वजह से वो फ्लैशलाइट ऑन होते हैं। रियली अमेजिंग क्रिएचर ना। फैक्ट नंबर 2, 1883 में क्राकाटोआ नाम का एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था, यानी ज्वालामुखी पर्वत फटी थी। जब ये ज्वालामुखी पर्वत फटी थी, तब उसका साउंड 4800 किलोमीटर तक सुनाई दिया था। लगभग 180 डेसिबल साउंड क्रिएट हुआ था और यही अभी तक का दुनिया में बनी लाउडेस्ट साउंड रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री है। दुनिया में अभी तक इतना साउंड क्रिएट कभी हुआ ही नहीं था। साइंटिफिकली इतना साउंड क्रिएट भी हम नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन वो वोल्केनो इरप्शन से इतना साउंड क्रिएट हुआ था। ओ माय गॉड। अगली फैक्ट जानने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाली रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबा के बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर रखना। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आपका लाइक से ही मुझे ऐसे वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलते हैं। चलते हैं अगली फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, भारत में ऐसे कई सारे रहस्य दफन है जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद है। इस मंदिर का नाम है निधिवान टेम्पल। अगर कोई इंसान इस मंदिर में एक रात रुकता है तो वही उसकी आखिरी रात होती है, यानी उसकी मौत होती है। यह मंदिर डीप फॉरेस्ट में है। एक स्टोरी के मुताबिक स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के महाभक्त थे। कृष्ण को प्रत्यक्ष करने के लिए एक कठोर दीक्षा करते हैं और ये देखकर कृष्ण भी प्रत्यक्ष होता है। ऐसा प्रत्यक्ष हुआ स्थल को अभी प्रत्यय स्थल कहते हैं। तो जब रात में मंदिर बंद करने का बाद रात में वहाँ पे कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रासली में भाग लेता है और कोई इंसान ये देखता है तो वो मर जाता है। जब मंदिर बंद करते समय पुजारी ने रंग महल में साड़ी सुपारी हाली वाटर रखता है और सुबह देखने पर वो चीजें पूरे उधर इधर फेंक कर रहते हैं, जैसे कोई उसे इस्तेमाल किए होंगे। इसीलिए इस प्लेस में रात को किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। इंसान ही नहीं बल्कि बंदर भी रात को वहाँ से दूर चले जाते हैं और सुबह होते ही फिर से आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय इस मंदिर में कुछ गज की आवाज और कोई खेलने का आवाज सुनने का दावा भी किए थे। इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए फॉरेन मीडिया ने इस मंदिर में रात को सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, लेकिन उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन कैमरे तो काम कर रहे थे और गज का आवाज भी आ रहा था। और तब से लेके अभी तक इस मंदिर में कोई रात को जाने में साहस ही नहीं किए है और इस मंदिर का ये रहस्य अभी भी एक रहस्य ही बनी रही। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।